भारत के भविष्यवक्ता संत अच्युत्यानंद दास और फ्रांस के भविष्यवक्ता नात्रेमदस की भविष्यवाणी सहित जर्मन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणी भी काफी प्रसिद्ध है। नया साल आते ही इन लोगों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को किताबों से निकालकर इंटरनेट पर पोस्ट कर दी जाती है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने जो साल 2023 के लिए भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। तो आइए दोस्तों, इसी के चलते जानते हैं कि इन लोगों ने इस साल यानी 2024 के लिए क्या भविष्यवाणी की है। साल 2024 में एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब आएगा। साल 2024 में भीषण बाढ़ आएगी जो दुनिया में तबाही मचाएगी। साल 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है। तो वहीं साल 2024 में कुछ देशों में गृह युद्ध और विद्रोह भी हो सकते हैं। साल 2024 को लेकर बाबा वेंगा का कहना है कि बहुत जल्द चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। इस बदलाव से साल 2024 में धरती के मौसम पर बुरा असर होगा जिससे पारा एकदम बिगड़ जाएगा। इसकी वजह से ठंडी जगह गर्म और गर्म वाली जगह ठंडी हो सकती है। साल 2024 में ग्लेशियर भी पिघलने लगेंगे और जिसकी वजह से समुद्र किनारे बसे हुए शहर जलमग्न हो जाएंगे। नात्रेमदस की भविष्यवाणी के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। साल 2025 तक यह संपूर्ण दुनिया वन वर्ल्ड वन अर्थ यानी मानव सभ्यता पूरी तरह एक सत्ता में आ जाएगी। साल 2024 में भारत में कई ऐसी चीजों की खोज होगी जो मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। इससे मानव भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में पहले ही जान लेगा। भारत में रहस्यमय लोगों का आगमन होगा। कहा जा रहा है कि हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होगा जो चमत्कारी और रहस्यमय होंगे। ये लोग हजारों सालों से जिंदा हैं। संत अच्युत्यानंद दास के अनुसार धरती तीन चरणों से गुजर रही है। पहले युग कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा एक नया युग आएगा। जिस वक्त शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत से संकट दूर हो जाएगा। साल 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। किसान खेती बंद कर देंगे, जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला शुरू कर देंगे। साल 2024 में धरती की धुरी बदलेगी जिससे एक के बाद एक कई भूकंप भी आएंगे। संत अच्युतानंद दास के अनुसार 2025 के बाद का वक्त बहुत बुरा होगा। इस समय वही लोग बचेंगे जो धर्म और सच के रास्ते पर चलेंगे। आसमान में दो सूरज निकले दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में कोलंबिया के एक गांव में अचानक एक साथ दो सूरज नजर भी आया था जिसे देख लोग हैरान भी हुए थे। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के अनुसार है। एक सूर्य होगा और दूसरा आसमानी पिंड होगा। ये पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा जो ओडिशा को जलमग्न करेगा। कहा जा रहा है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी पहुंच जाएगा। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी तरफ महायुद्ध होगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर होगी। भविष्यवाणी के मुताबिक लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और दुनिया की जनसंख्या 64 करोड़ बच जाएगी। धरती पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 7 दिन अंधेरा होने वाला है। भविष्यवाणी में तो ये भी कहा गया है कि सब घटना 2022 से 2029 के अंदर ही होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैप कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।